माँ का माल है, मंदिर ये देवी माँ का सबसे महान है। जय माता दी भाई। कुट के शीश पे माता का सिंहासन। हे गाइस, तो मैं जुड़ी, गौरव और प्रशांत हम लोग जा रहे हैं माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो ये हम हैं, ये हमारी बस है और हम लोग माता रानी के दर्शन को जा रहे हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। पहुंच गए हैं लखनपुर और यहाँ पे सभी की हो रही है रैपिड कोविड टेस्टिंग। मेरी हो चुकी है, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट और अब चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो दिल्ली से चल के हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। हम लोग आए बस से और बस ने हमारी हालत खराब कर दी, पर माता के दर्शन के लिए सब झेलना पड़ता है और अब हम लोग सीधे द्वार पे पहुंच रहे हैं। ये रहा द्वार, यहीं से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। माता वैष्णो देवी के जो रास्ते हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम अब हो चुका है और ये एक नया रास्ता बन गया है, तो हम लोग उसी नए रास्ते को ले रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। हम आगे आगे भी दिखाएंगे आपको। ये है नए रास्ते का पोस्टर। यहाँ चढ़ाई कम है पर रास्ता थोड़ा सा लंबा है और लंबे रास्ते से याद आया तो दिल्ली से चलते हुए पहुंचे यहाँ और एक होटल लिया हमने। चार लोग हैं तो एक ही कमरा लिया और उसका किराया 1000 रुपए, तो आपके बजट में आएगा। आप अपना सामान वहाँ रख दो, नहा लो धो लो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद यात्रा शुरू कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहली बार आया हूँ दर्शन, पहली बार आया दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। वह ऐसे ही गाते हुए चलते रहिए और आनंद लीजिए इस सफर का माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए। जय माता जी। ये रास्ता जो है नया रास्ता बना है तो इसमें ज्यादा लोग आते नहीं है, खच्चर भी नहीं है, बदबू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। आपको भरपूर मजा आएगा इस रास्ते में जाने से। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता, तो ज्यादातर लोग प्रिफर नहीं करते हैं, पर हम लोग आज इसी रास्ते पे निकले हैं। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। ये नया रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और उतनी ही ज्यादा सुविधा है यहाँ यात्रियों के लिए, क्योंकि हम लोग चले जा रहे हैं और ना कोई खच्चर मिल रहा है, ना कोई गाड़ी मिल रही है, आराम से आप चल रहे हो। पानी का जगह जगह इंतजाम है, शौचालय का जगह जगह इंतजाम है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो इस नए रास्ते पे जरूर आप आए, जो पुराना रास्ता है जिसपे खच्चर बहुत चलते हैं उसपे काफी यात्रियों को काफी दिक्कत होती है, तो इस नए रास्ते को आप अपनाएं। थोड़ी सी चढ़ाई है पर थोड़ा बहुत तो फिर कष्ट आपको झेलना पड़ेगा अगर माता रानी के दर्शन करने आए हैं तो। जय माता दी, जय माता दी। हाँ दोस्तों, समय समय पे ब्रेक लेते रहें, छोटे छोटे ब्रेक्स, ब्रेक तो बनता है, किटकैट ना भी हो तो हाजमोला खा के काम चला लो पर चलते रहो, ब्रेक लेते रहो और चलते रहो आगे। जय माता दी, जय माता दी। चढ़ते चढ़ते इतनी ऊंचाई पे आ गए कि अब नीचे देखते भी मन घबरा सा रहा है, पर मजा बहुत आ रहा है। बस ऐसे ही माता के भजन बजाते हुए गाते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। जय माता दी। बस ऐसे ही चलते रहिए, तो जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, आगे वाले, पीछे वाले, जय माता दी। माँ का माल है, मंदिर ये देवी माँ का सबसे महान है। जय माता दी। कुट के शीश पे माता का सिंहासन। जय माता दी। बोल के चलती यहाँ पवन।
हम लोग माता के दर्शन के लिए चले जा रहे हैं, पर कुछ ऐसा दृश्य दिख गया कि रुकना यार जरूरी हो गया। आप खुद देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है। और इधर आप देखिए, अगर आपको दिखे तो आपको चांद दिख रहा होगा, चांद इधर, सूरज उधर अस्त हो रहा है, और यहाँ हम दीवाने चले जा रहे हैं माता के दर्शन को। ये रहा गौरव और ये रहा प्रशांत। जूड़ी अपनी फोटोग्राफी में लगा हुआ है, पोएट है वो, तो देखिए कैसे निहार रहा है नेचर को। फिर लिखिएगा कविता उनके ऊपर, वो भी आपसे शेयर करेंगे जल्दी। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग अब चलते चलते आ गए हैं लंगर की जगह पे, जहाँ पे लंगर मिलेगा, तो यहीं थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। हम सब लोग चलते चलते यहाँ आ गए हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, देखिए फाउंटेन है और इसके आसपास जगह का बहुत ही अच्छा सौंदर्यकरण किया गया है पूरी जगह का। ये है लंगर की जगह, बहुत कमाल और बहुत खूबसूरत। तो लंगर में हमें मिला है दाल चावल और हलवा, और दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट है और उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है हलवा। कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, मतलब बहुत ही अच्छा है, साफ़ सफाई हर चीज़ बहुत अच्छा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वैष्णो देवी की यात्रा में, जिससे यात्रियों को बहुत सुविधा हो गई है। जय माता दी, जय माता। जी तो अब अर्धकुंवारी से हम लोग 700 मीटर की दूरी पे हैं और हम लोग चले जा रहे हैं, थक गए हम लोग, बट बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा। और जैसा कि हम लोग आपको बताते हुए आ रहे हैं, ये जो नया रास्ता है दोस्तों, ये कमाल है यार। आप लोग जब भी अब आओ तो इस नए रास्ते से आना, क्योंकि एक तो इस पे कोई घोड़ा खच्चर कुछ नहीं, कोई बदबू नहीं, एकदम प्यार से आप चलते रहोगे। और हमने पहले ही बताया, बंदर को भी शायद अभी नहीं पता चला है यहाँ पे, एक भी बंदर नहीं, एक भी मतलब घोड़ा खच्चर कुछ नहीं। बहुत प्यार से हम लोग चले जा रहे हैं, रास्ते में हमें 4-5 लोग ही मिल रहे हैं, बहुत कम लोग अभी इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। एक लंगर मिला है, हाँ, इतना स्वादिष्ट खाना, उसका प्रसाद जिसे बोलते हैं जी, और बहुत ही एकदम साफ सुथरा रास्ता, काम इतना अच्छा हो रहा है। बधाई देनी पड़ेगी जो भी वैष्णो देवी बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत उमदा काम कर रहे हैं, यात्रियों के लिए बहुत काम हुआ है। जय माता दी, जय माता दी। अभी हम लोग शेक पीने के लिए रुके हुए हैं, थोड़ा सा लिक्विड जाएगा अंदर तो एनर्जी आएगी चलने के लिए। बट जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि वैष्णो देवी का जो ये प्रशासन है, उसने बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया है। बिकॉज मुझे पुराने वाले रास्ते का पता नहीं, ये नया वाला रास्ता बेहद खूबसूरत है, एकदम साफ है। हर 500 मीटर पे आपको टॉयलेट वगैरह मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा क्लीन है, खाने पीने का मिलेगा, शेड्स मिलेंगी, और लंगर आपने अभी पीछे देखा ही था, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया है यात्रियों के लिए। जय माता दी। अब हम लोग भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, पर हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, आप सब के सब, अब हम लोग चकनाचूर हो गए, मैं तो चकनाचूर बैठे हुए हैं और बहुत हालत ख़राब है, पर हिम्मत हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अब बस 2 किलोमीटर दूर है अपनी मंजिल से, माता के दर्शन से। तो माता का नाम लेके और उनके भजन गाते गाते हम अगले 2 किलोमीटर चढ़ेंगे और माता के दर्शन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। अभी हम लोग श्राइन बोर्ड के जो कैफेटेरियाज हैं उनमें बैठे हुए हैं, और ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि पूरे रास्ते आप कुछ खाएं या नहीं खाएं, पर आपको इस कैफेटेरिया में कढ़ी चावल खाना ही खाना है। आपने इससे अच्छे और स्वादिष्ट कढ़ी चावल और कहीं नहीं खाए होंगे, और आपको बहुत ही मिनिमल रेट पे मिलता है, समथिंग अराउंड 40-40 रुपये प्लेट, तो बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल। और हम लोग दूसरी बार खा रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थके भी हुए हैं, 1 किलोमीटर बचा है भवन हमारा, लेकिन हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल होते हैं कि आपका ना उसका जायका आपके ज़बान पर अगले टाइम तक रहेगा, जब तक आप वापस नहीं आते। तो जब भी आए कढ़ी चावल ज़रूर खाएँ। 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो आप समझ रहे हो ना वेटिंग कितनी लंबी चलती है। बट आपको हर किलोमीटर पे अर्धकुंवारी जब आप पार करेंगे, तो उसके बाद हर किलोमीटर पे आपको ये कैफेटेरियाज मिलेंगे, जहाँ पे आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और उससे पहले लंगर दही, तो आप लंगर में खा सकते हैं। Thank you.
बेटी आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए माता के भवन, हम लोग पहुंच गए। जय माता दी, सब हम लोग पहुंच गए। जय माता दी, कि आप में से काफी लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि जब आप भवन पहुंच जाते हैं जैसे कि हम पहुंचे थे, उसके बाद सबसे पहले लोग स्नान करने जाते हैं, तो हम लोग सब स्नान करने गए थे। उसके बाद आपको लॉकर की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो लॉकर की लाइन में खड़े हुए काफी टाइम लगा, फिर हमें लॉकर मिला, उसमें हमने अपना सारा सामान रखा, सारे पोजेशंस रखे, तो आपको अपना मोबाइल भी उसी में रखना पड़ता है, तो इसलिए भवन का कोई भी विजुअल हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो माता के दर्शन हमने किए, भव्य दर्शन हुए, आनंद आ गया उसमें, हम सब ने बहुत आराम से बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम गए वापस लॉकर रूम, वहाँ से अपना सामान उठाया और फिर हम आए भैरव बाबा के दर्शन के लिए चल दिए। और घोड़े खुल चुके हैं, हालत देखिए आप लोगों की, ये देखिए दो दो लकड़े लग रहे हैं इन्हें, उसके बावजूद हमारे घोड़े खुल चुके हैं, बहुत हालत खराब है। इसमें पता नहीं कहाँ से पहाड़ी कून आ गया, ये तेजी से घोड़े की तरह दौड़ रहा है। बाकी हम लोग के तो घोड़े खुल चुके हैं भाई, क्योंकि भवन के बाद जो भैरव की चढ़ाई है वो बहुत स्टीप है, हालत खराब। जय माता दी, फाइनली पहुंच गए भैरव बाबा पर। जय भैरव बाबा, हालत खराब हो गई सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, पर हमने भी हिम्मत नहीं हारी, अपने फेफड़ों को अपने हाथों में लिया और उसे ले आए यहाँ तक। जय भैरव बाबा। भैरव बाबा के दर्शन करके अब हम वापस चल दिए हैं नीचे की ओर, अब हम जा रहे हैं वापस कटरा की तरफ जहाँ पे हमारा होटल हमने लिया हुआ है। तो नीचे जाने के लिए अभी हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, सांझी छत। अब सांझी छत से कुछ 3 किलोमीटर पे पड़ेगा अर्धकुंवारी, तो अब हम पहले अर्धकुंवारी पहुंचेंगे और फिर दोबारा आपसे कुछ बात करेंगे। तो अभी हमने सांझी छत पे वैसे प्रसाद खाया, हलवा था और चले थे, मजा आ गया। आप इस पूरे ट्रिप पे, आप पूरी यात्रा पे आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी सुविधा है। आपको जैसे बताया था कि लंगर पे दाल चावल मिलेंगे, फिर जो कैंटीन है उसमें आप 40 रुपए में स्वादिष्ट कड़ी चावल खा सकते हो, और पानी की हर जगह सुविधा, और उसके बाद प्रसाद, तो आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप खाते पीते मौज करते माता का नाम लेते, बस यात्रा अपनी पूर्ण की। दोस्तों अगर आप फंस जाए तो आपको डंडा भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो इसी बात पे हो जाए जयकारा शेरावाली का, साचे दरबार की जय। तो जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बीच बीच में सीढ़ियां ले रहे हैं और बीच बीच में हम लोग नॉर्मल वे से ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये आपकी हिम्मत की बात है, आप सीढ़ी लेते हो या नॉर्मल ट्रैवल करते हो, हम तो यार दोनों का मिक्सचर कर रहे हैं, क्योंकि केवल सीढ़ी सीढ़ी से भी आएंगे तो फेफड़े हाथ में आ जाएंगे। क्या बोलते हो? तो कोई नहीं, बस लगे रहो, जय माता दी बोलते रहो और चलते रहो। तो जय माता। सुबह के 6:05 हो चुके हैं और हम लोग अभी भी उतर रहे हैं, आखिरी की कुछ 450 सीढ़ियां बाकी हैं, हम चले जा रहे हैं और लगभग हमारे घुटनों की कटोरियों का ये हाल है कि कल हम उसमें बैठ कर सूप पी सकते हैं। हाँ भाई गौरव, क्या हाल है आपके? प्रशांत भैया कोई कटोरी खरीद लो मेरे घुटनों की। हाँ भाई जुड़ी, क्या हाल है आपके? पर बहुत ही ज्यादा सुंदर मॉर्निंग व्यू। हाँ सबसे मेन ये था, हम अर्धकुंवारी पे कहीं भी नहीं रुके, डायरेक्ट चलते आ रहे हैं। वो हम इसलिए भी नहीं रुके क्योंकि हमें थोड़ा टाइम बचाना है, अभी नीचे जाके हमें प्रसाद भी लेना है, उसके बाद हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है रात की, तो इसलिए नहीं रुके, और इसीलिए हमारे घुटने जो है बहुत जोर दे रहे हैं। जवाब दे भाई, जवाब। चलो कोई नहीं, जय माता दी। जय माता दी। तो यार अब हम आ गए वापस अपने होटल और हालत हमारी बहुत ख़राब है, जैसा ही आप देख सकते हो पूरा कंबल वम्बल में हम पूरा पैक हो गए हैं, कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं कि क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बस मुंह हाथ धुलकर अपना घुस गए हम लोग अपना कंबल में। अब पहले सोएंगे और उसके बाद शाम को ट्रेन है, तो अपनी फिर ट्रेन पकड़ेंगे, तो अब हम सीधे आपसे मिलते हैं जब हम अपनी ट्रेन पकड़ने जाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी।
अब हम लोग आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे, और जो कटरा रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत ही शानदार बना हुआ है। एक जरा एक बार देखिए आप लोग, आपको एयरपोर्ट वाली फील आएगी। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है माता वैष्णो देवी के निकट। और हम लोग आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से लेंगे ट्रेन, जाएंगे जम्मू, फिर जम्मू से ट्रेन लेंगे जो हमें पहुँचाएगी हमारे मंजिल दिल्ली। एक बार वापस देखिए आप, क्या शानदार रेलवे स्टेशन बना रखा है, बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है। तो जय माता दी बोलते हैं और बढ़ते हैं आगे अपनी ट्रेन की तरफ। जय माता दी। हालत बहुत खराब है, इसलिए ये मैं हूँ, ये मेरे पैर हैं और इनकी मरम्मत चल रही है। ये देखो, एक also, also my leg. हुआ है। मेरे पैरों की मरम्मत चल रही है। दोस्तों, आप लोग भी ट्रेन में सफ़र करते होंगे, लेकिन कभी आपने इतनी खाली ट्रेन देखी है? देख रहे हो दोस्तों, जहां आपका मन करे वहां सो, मज़ा ही आ गया दोस्तों। ऐसा कोविड की वजह से नहीं है, पता नहीं ट्रेन इतनी खाली क्यों चल रही है।